अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं मैंगो मस्तानी। तो जिसके लिए मैंने दो मैंगो ले लिए हैं, इनको मैंने इस तरीके से निकाल लिया है। ये देखिए, स्पून की मदद से आप मैंगो का जो पल्प है वो निकाल लीजिए, इजीली स्पून से निकल जाता है। तो ये एक मैंने आपको बताने के लिए किया है इस तरीके से। तो ये दो मैंगो का पल्प हमारा निकल के रेडी हो चुका है, इसको अब हम साइड में रख देंगे। तो मैंगो के पल्प को मैंने साइड में रख दिया है और ये जो मैंगो के पीस है इसके मैं चंक्स कट करने वाली कर लेनी है, लाइंस कट कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से चौकोन चौकोन से छोटे छोटे पीसेस में मैंने चंक्स को कट कर लिया है। अब सेकेंड वाला भी मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहले इस तरीके से कट करेंगे, फिर चौकोन कट कर देंगे इसको नाइफ़ की मदद से, ये देखें, और स्पून से इजीली ये निकल जाएंगे। इस तरीके से देख सकते हैं आप कितने अच्छे हमारे चंक्स कट के रेडी हो चुके हैं। इनको हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। अब हम जूसर जार ले लेंगे जिसमें जूस वगैरह बनाया जाता है, मिल्क शेक बनाया जाता है, वो जार ले लें। उसमें सारे मैंगो के पल्प डाल देंगे जो हमने कट करके रखे थे। टू टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे। मेरे मैंगो ज़्यादा मीठे हैं इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून शुगर ऐड की है। अगर आपके मैंगो ज़्यादा खट्टे हैं तो आप शुगर और बढ़ा सकते हैं। 1 कप इसमें दूध ऐड कर देंगे। दूध बिल्कुल मेरा ठंडा और चिल्ड लिया है मैंने, और आम भी मेरे ठंडे हैं। अब इसमें मैंगो आइसक्रीम ऐड कर देंगे। जितनी क्वान्टिटी आपको पसंद है आप उतनी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 कप से ज़्यादा ली है मैंगो आइसक्रीम। अब इसको ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा इसको ग्राइंड करेंगे हम। तो सबसे पहले हम सर्विंग ग्लास ले लेंगे, इसमें मैंगो के चंक्स डाल देंगे। अब जो हमने मैंगो शेक बनाया था वो डाल देंगे। देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा रखा है मैंने इसको। अब इसमें वनीला आइसक्रीम ऐड कर देंगे। अब टूटी फ्रूटी डालेंगे। अब इसके बाद हम मैंगो का शेक डाल देंगे इसमें, और ऊपर सर्विंग के लिए हम इस पर डालेंगे आइसक्रीम। मैंगो आइसक्रीम डाला है मैंने, आप वनीला आइसक्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से मैंगो के चंक्स डालेंगे जो हमने कट करके रखे थे। टूटी फ्रूटी से गार्निशिंग करेंगे। थोड़े पिस्तेशियो डालेंगे कट करके। पिस्ते आप आलमंड या फिर कैश्यू का भी यूज़ कर सकते हैं, बट पिस्ते का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है इसके साथ। और चेरी लगा देंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मैंगो मस्तानी बनके रेडी हो चुकी है। अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल बटन को ज़रूर दबाएँ। बेल बटन को दबाने से ही आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी मिल पाएगी। अल्लाह हाफिज़।